Are you ready? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज लेट हो रहा है ब्लॉग स्टार्ट। अंकिता आ चुकी है। हेलो चश्मा मेरा किटी नहीं है, ये बो बना हुआ है इस पर। बो बना है। तो अभी हम मस्ती कर रहे हैं, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। 5 minutes later आ गई हमारी गौ माता। मम्मा later। तो गाइस आज आए हम पार्क में, तो एक दिन के बाद, क्योंकि बस आना ही नहीं होता, निकलना ही नहीं होता घर से। कल हो रही थी मेरी कल मैं सुबह सुबह उठ गई थी ना 5 बजे, तो मुझे दिन में नींद आ रही थी। मैं सोई थी जब निमृत ट्यूशन गई थी 3 बजे, तो निमृत फिर वहाँ से 1 घंटे बाद आ गई थी। तो निमृत कहने लगी मम्मी चलो पार्क। मैंने कहा निमृत आज नहीं जा बहन, मैं थक रही हूँ, थकावट सी हो रही है मुझे। तो निमृत कह रही ठीक है मम्मी। निमृत देख रही थी टीवी, फिर मैं कल नहीं आ पाई, तो फिर मैं आज ही आ गई। तो बच्चे खेल रहे हैं, अंकिता निमृत आरती बैठी है बच्चों के पास। 5 minutes later ये देखो गाइस बच्चे जिम की मशीनों पे, और वो हमारी निमृत, वो निमृत खड़ी है सामने डॉट डॉट वाली। ये देखिए निमृत, वो आरती बैठी है। अंकिता पता नहीं किधर चली गई। आरती बच्चों को देखती है, देख लियो। तो गाइस हिंदी थोड़ी थोड़ी समझने लगी आरती। मैंने बोला उसको ध्यान रखियो निमृत और अंकिता का। निमृत पता नहीं किससे लड़ रही है, इसको कुछ चीज का बर्दाश्त नहीं है। ये दिखाती हूँ, ये देखो ये देखो क्या हुआ, किससे लड़ रही है, किससे लड़ाई हो गई, क्यों लड़ रही है। अरे वो शटल नहीं ले रहे थे मेरी फ्रेंड की। तो फिर तू ही लड़ेगी उस उनसे। वो बोल रही थी, क्या बोल रही थी, हैं वो बोल रही थी कि वो दे देगा। तो फिर तू ही ज्यादा लड़ने वाली है क्या। नहीं गई निमृत तो खेलने। गाइस आज ओरियो नहीं आया, आज ओरियो नहीं नजर आ रहा हमारे को। गर्मी हद से ज्यादा हो गई है, क्या करें, भूख ज्यादा जल्दी। गाइस मैंने बड़ी हिंदी लगा ली थी, इसके पापा कह रहे हैं ये हटा, कितनी गंदी लग रही है, तो मैंने हटा दी। और मेकअप सारा कुछ गया है गर्मी में, गर्मी में मेकअप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है, सब कुछ अट जाता है। काजल मुझे डॉक्टर ने मना किया है लगाने के लिए, तो काजल मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी आँखों में बहुत तेज़ की खारिश हो रही है, बहुत तेज़ खुजली हो रही थी मेरी आँखों में। मैंने आज काजल नहीं लगाया, तो आज मेरे आँखों में खुजली नहीं हो रही, और काजल के बिना आँखें अजीब सी लगती है। पिछली बार आपसे नहीं मिली थी आपकी। अभी जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आए हैं। ये हमारे जीजा जी, ये हमारे जीजा जी हैं। जीजा जी भी नहीं आए कर रहे। चाबी देखियो, देती निमृत चाबी देखियो, अभी तो थी स्कूटी की चाबी देख ले बेटा, जेब में देखो। देखिए गाइस जीजा जी ने अभी रिक्शा लिया है ना, तो उसके साथ यही वाली स्कूटी मिली दीदी। 200 ली है। हाँ 200 ली है। अच्छा, एक ऐसी स्कूटी है वो भी चार्जिंग वाली है, ये तो चार्जिंग वाली नहीं लग रही। दीदी जा रही है हमारी, दीदी बहुत जल्दी में आती है। बाय बाय। तो
गाइस मेरी नंद आई थी, मेरी नंद अभी अभी चली गई हैं अपने घर, और बस अभी मैं काम वगैरह करके और थोड़ा सा गली में टहलने आई हूँ। निमरित देख रहे टीवी और उसके पापा भी टीवी देख रहे हैं। तो गाइस बस थकावट हो जाती है, ज़रा कोई आ जाए या कहीं हम चले जाएँ तो पता नहीं क्या, बस थकावट बहुत ज़्यादा सी हो रही है, थक जाती हूँ मैं आजकल बहुत ज़्यादा। तो पड़ोस में काम चल रहा है तो ये कुछ ये भी है, यहाँ धूल मिट्टी वगैरह आती है तो रोज़ाना इतना काम हो जाता है, तो झाड़ पोछ करनी। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ गली में सैरी करूँ। तो गाइस मैं आई थी जीरा डिंक लेने के लिए, तो मेरे को तो जीरा डिंक कहाँ से मिलेगी यार, टाइम ज़्यादा हो गया, तो एसिडिटी सी हो रही है, तो देखती हूँ बाहर वाली दुकान पे मिलते हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 5 minutes later गाइस मेरी जीरा डिंक मिल गई है मुझे, बाहर वाली दुकान थोड़ा 11:30 बजे तक खुली रहती है, तो रुद्राक्ष के पापा कह रहे थे बाहर से लेकर आ जा, मैं जाऊंगी और इसे इंजॉय करूंगी। तो ठीक है गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पर और मेरी वीडियो इतनी ही, तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तो खुश रहिए, आबाद रहिए और ध्यान रखिए और अपने अपनों का, अपने और अपनों का। तो बाय।